जल सुलझाने, अंधियारों को मिटाने, ये ज्ञान की ज्योत जलाने आया है। शुरुआत में प्रभु ने फरमाया कि प्रतिक्रमण करो, अपना अंतःकरण से आलोचना करो कि मैंने कितना पुद्गल का चिंतन किया। उठते बैठते चलते सोते खाते पीते कुछ भी करते, हर श्वास में पुद्गल का चिंतन कितना किया, उसका बार बार प्रतिक्रमण करो, बार बार प्रतिक्रमण करो और उस स्वयं में स्थित होने का पुरुषार्थ करो कि ये केवल ध्यान के समय नहीं या 10 दिन में नहीं, जब जब भी आपका जीवन, पूरा जीवन ये प्रतिक्रमण करना है, बहुत जागरूक रहना है कि मैंने पुद्गल का चिंतन कितना कि देखो कैसे मन भाग जाता है, कहाँ कहाँ चला जाता है। पुद्गल का चिंतन कितना करते हैं एक जीव, बाकी सारा पुद्गल। हम जीव को कितना महत्व दे पाते हैं, और ये आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए, जब पुद्गल का चिंतन आए। पुद्गल का चिंतन का मतलब क्या समझो, मन के साथ बुद्धि लग जाती है और पांचों इंद्रियां, पांच इंद्रियों के विषय, 23 विषय, 240 विकार इसके, और साथ साथ में मन और बुद्धि और जीव अपने को भूल गया। सबसे बड़ी भूल जो जन्मों जन्मों में हम मिथ्यात्म में जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी भूल कि जीव अपनी शक्ति को भूल गया। अनंत शक्ति वाला, अनंत ज्ञान वाला, अनंत सुख वाला, अनंत दर्शन वाला ये जीव सिद्धालय चले जा सकता है, हम सिद्ध बन सकते हैं यदि जीव अपने में स्थित हो जाए। परंतु बार बार ये मिथ्यात्म हमें टिकने नहीं देता, फिर हम चले जाते। मन जब जाता है तो कर्ता भोक्ता में आ जाते हैं। हमारा स्वभाव मात्र दृष्टा है, जीव मात्र दृष्टा। जैसे कर्ता भोक्ता में गए, कर्मों का बंधन शुरू हो गया, कर्म लगने शुरू हो गए। कर्ता भोक्ता क्यों जाते हैं हम, दृष्टा में क्यों नहीं रह पाते, कारण क्या है? प्रतिपल प्रतीक्षण मैं जीवात्मा हूँ, ये होश बना रहे। हम भूल जाते हैं कि जीव अपनी शक्ति मन बुद्धि इंद्रियों को दे देता है और जल्दी कर्ता भुक्ता में आ जाते हैं। जैसे कर्ता भुक्ता में गए, मैंने किया, मैंने खाया, मैं उठा, मैं गया, अब पूरा होश की, जीव तो दृष्टा है, मैं कुछ करने वाला हूँ ही नहीं, तो व्यर्थ ही हम कर्मों का बंधन किए जा रहे हैं, व्यर्थ ही हम किसी को दोषारोपण किए जाते हैं। हमें कोई कुछ भी कह दे, हम अपने स्वभाव में रहें, केवली कैसे रहते हैं अपने स्वभाव में। भगवान सिमंद्र स्वामी भगवान तीनों लोगों को, तीनों कालों को एक साथ जानते और देखते हैं, और समोसरण में हजारों लाखों लोग आते हैं, सब आते हैं, फिर उनको सबको बोध देते हैं, अपने स्वभाव में रहते हैं। और मुझे और आपने इस स्थिति को प्राप्त करना है। अभी बहुत समय लगेगा, बहुत श्रम करना पड़ेगा, एक एक श्वास के प्रति, एक एक समय के प्रति जागरूकता रहनी पड़ेगी। यदि आपने लापरवाही कर दी, चलो ठीक है 10 दिन का ध्यान तो पूरा हो जाएगा, बहुत कुछ कर लिया, इतना नहीं। अब ये जितना कर्मों का, मिथ्यात्व का, अज्ञान का, मोह का, परते की परतें पड़ी हुई हैं, इसको तोड़ने के लिए एक ही तरीका है कि सतत जागरूकता, होश। होश किसके प्रति? अस्तित्व के प्रति होश बनी रहे। मैं जीवात्मा हूँ ये केवल बोलना ही ना पड़े, आपके अंतर में एक ऐसा प्रभाव उठे, बस मैं जीव के सिवाय कुछ हूँ ही नहीं, जो कुछ है सब बाहर की है। हमें अलिप्त रहना है, ये कुछ भी करो, मैं अलिप्त, जीव अलिप्त, कीचड़ में कमलवत, म्यान में तलवार, अलिप्त रहें। जितने क्षण आप अलिप्त रह पाओगे, वो कर्मों की नजराई नजरा है, वो शुक्ल ध्यान है। तो क्या लगता है आपको, इस ध्यान में, एक घंटे सवा घंटे के ध्यान में कितने मिनट आप अलिप्त रह पाए? कुछ आपको लगता है केवली जाने, वो तो ठीक है, प्रभु जानेंगे, आपको अपना अंदाज क्या लगता है?
धीरे धीरे आपको स्वतः अनुभव हो जाएगा कि जैसे 1 घंटे के ध्यान में मुझे किसी को 2 मिनट, किसी को 5 मिनट, किसी को 7 मिनट, किसी को कुछ सांस मिले, जी आपकी जैसे आप भीतर में देहातीत अवस्था, भगवान का देहातीत निर्विचार निर्विकल्प अवस्था, वो स्वतः ही आती है और आप उसमें बह जाते, वो स्थिति अलिप्त कहो, अलिप्त कहो, निर्विचार निर्विकल्प कहो, शून्य की स्थिति कहो, कि आप शून्य में चलेंगे, आप देहातीत हो गए। अब ये आपने 1 घंटे में कितने समय आप देहातीत रहे, इसको आपने बढ़ाना है, अपने स्वयं जागरूक रखना है। सबसे पहला पॉइंट भगवान ने फरमाया कि जन्मों जन्मों का जो पुद्गल का चिंतन हमने किया, पुद्गल का मतलब जीव को छोड़ करके सारा मन वचन काया बुद्धि संस्कार धारणा कुल परंपरा, मेरा तेरा जेरा कुछ, ये मैं मेरा परिवार मेरा बेटा मेरा धन मेरी संपत्ति मेरी विचारधारा, सबको देखते देखते जितना चिंतन मन कहाँ कहाँ घुमा देता है, कहाँ ले जाता है। हम एक कहानी, पहले पता ही नहीं था मन कैसे घुमा रहा है, सबसे पहले अस्तित्व का बोध ही नहीं था, बोध होने के बाद उस पर थोड़ी श्रद्धा हुई, श्रद्धा के बाद आप यहाँ आए, आप टिके, आपने ध्यान किया, और फिर समझ में आया कि कितना समय मैंने जन्मों जन्म गवा दिए, ऐसे ही बस जीवन लेते रहे जाते रहे। आप इस पर चिंतन करोगे, पुद्गल का प्रतिक्रमण करते रहोगे, हर समय प्रतिक्रमण, जब लगे जैसे भोजन किया, भोजन करने के बाद आपने देखे कितना समय मेरा इंद्रियों में मन में बुद्धि में चला गया और स्वयं में कितना स्थित रह गया। अब ये कार्य है, हर क्रिया में चलना चाहिए, धर्म की क्रियाओं में, देह की क्रियाओं में, संसार की क्रियाओं में, लोग भी आपके पास आएंगे और उनके साथ संबंध नहीं बनाना किसी के साथ, सब मिथ्यात्वी, मिथ्यात्वी का मतलब जिसको आत्मा का बोध ही नहीं है, जो केवल मन वचन काया के पीछे लगा हुआ है, उसके जितना संबंध आप कम कर दोगे, अपने में स्थित रहोगे वो समय, और हमेशा भगवान की वाणी सुनते रहो, बार बार सुनते रहो, जितनी आप वाणी पढ़ोगे समकत आपका पड़ेगी, मिथ्यात्व पर समकत की चोट लगेगी तो आप धीरे धीरे मिथ्यात्व कम हो जाएगा। देखिए 1 घंटे में, ठीक है हम पूरा तो नहीं बता सकते, केवल ही बता सकते हैं भगवान, पर जो स्थिति निर्विचार निर्विकल्प देहातीत स्थिति है, वो आपकी अलिप्त है, वो क्षण शुक्ल ध्यान के, इसको बढ़ाना है। ये आप जरूरी नहीं ध्यान में ही, कहीं भी आप सैर कर रहे हैं, आप भोजन कर रहे हैं, और ये भोजन में आप अलिप्त है, लिप्त नहीं है, अलिप्त हैं, तो भी श्वास आपकी, ठीक है शरीर को भोजन दिया जा रहा है, मैं अपने स्वभाव में है, जीव अपने स्वभाव में बना रहे, मैं जीवात्मा, जैसे आपका नाम कहने की श्वास आ रहा है जा रहा है, ऐसे हमारी आत्मस्मृति निरंतर निरंतर चली जाए। ये होगा आपके पुरुषार्थ से होगा, आपकी श्रद्धा से होगा, आपके संकल्प से होगा, खूब खूब साधना करते रहे, मौन का पालन करते रहे, जितना आप अंतर में डूबेंगे आपका आनंद छलकेगा भीतर, आनंद भीतर है, शक्ति भीतर है, ज्ञान भीतर है, दर्शन भीतर है, क्यों प्रकट नहीं हो रहा, हमारा मोह कर्म, हमारा जन्म जन्मों का मोह इस देह के प्रति, इंद्रियों के प्रति, मन के प्रति, बुद्धि के प्रति, संसार के आकर्षणों के प्रति, कुछ पता नहीं ऐसा ही मन घुमा देता, ऐसा ही मन ले जाता और जीव साथ लग जाता है, सबसे बड़ी भूल। अब जीव अपने में स्थित रहे, जीव का जीव में स्थित हो जाना, ठहर जाना, बस जितना ठहर पाओगे आपके कर्म टूटते चले जाएंगे, टूटते चले जाएंगे। इस पंचम काल में अरिहंत परमात्मा की अनंत अनंत कृपा बरसी है, आपको मार्ग मिल गया है, शुद्ध मार्ग है, भगवान बार बार फरमाते हैं यही मार्ग है, यही सत्य का मार्ग है, और कोई मार्ग नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की, कुछ पढ़ना नहीं, लिखना नहीं, सोचना नहीं, बताना नहीं, बस ये समझो यही मैं जीवात्मा, इसमें स्थित होना बहुत समय लग सकता है, यदि आपकी जागरूक अस्तित्व का होश बना रहे, होश तुम्हारा अपना बढ़ेगा,
मिथ्या तो टूटेगा, धीरे धीरे आप आगे बढ़ जाओगे। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल केवल आत्मा हो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक एक आत्म तत्व जो अमूर्त है, जो निराकार है, जिसका वजन नहीं, जो दिखाई नहीं देता, जिसकी आंख नहीं, नाक नहीं, कान नहीं, जिह्वा नहीं, जो इंद्रियों से परे, मन से परे, बुद्धि से परे, पर अनंत शक्तिशाली आत्मा वो तुम हो, वो तुम्हारे भीतर है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक उस आत्म तत्व को अनुभव करो। पूरे शरीर में आत्म तत्व का अनुभव करें। पूरा चेहरा, दोनों कंधे, दोनों बाजू, छाती, पेट, पीठ, जंघा, घुटने, टांगे, पूरे शरीर में आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव करें। आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव करें। विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें, तुम विचार नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तुम बुद्धि भी नहीं हो, तुम एक अखंड संपन्न परिपूर्ण आत्मा हो, जिसमें अनंत सुख, अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन, वो आत्मा का निज गुण है। और अपने भीतर गहरे चले जाएं, दृष्टा भाव में रहें, आत्मा का स्वभाव, जीव का स्वभाव मात्र जानना और देख, जानो और देखो। विचार आ रहे हैं, जानो, जा रहे हैं, देखो, दृष्टा भाव जानो और देखो। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। सब में समान आत्मा, मिट्टी में सब भुए सु, वैरंग मज्जंग ना के नाए। संसार की समस्त आत्माएं मेरे समान है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। सत्वेषु मैत्रीं गुणीषु प्रमोदम्, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वं, माध्यस्थ भावं विपरीत वृत्तौ, सदा ममात्मा विदधातु देव। रहे मैं त्रिसब प्राणियों पे
सदा गुनी देख हर शाम सुख पाऊं मैं। दुखी दीन जन पे दया भावना, दुखी दीन जन पे दया भावना, सब विरोधों में समता को अपना मैं। ये देव मेरी है ये प्रार्थना, आत्म अर्चा में निस्वार्थ जुट जाऊं मैं। ये देव मेरी है ये प्रार्थना, सब प्राणियों के प्रति मैत्री भावना, गुणीजन के प्रति प्रमोद की भावना, दीन दुखियों के प्रति करुणा की भावना, जो विरोधी जन के प्रति समता की भावना, चार भावना आपको उच्च गति की ओर ले जाएंगे, कर्मों के बंधन काट सकती। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें, एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन, दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकिठम आहिंसा संयमो तव देवावितंग, नमंग संति जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरणा, सुख करना, मंगल करना, खूब खूब मंगल हो सबका, मंगल सबकी उलझन से।